आरुण भाई पे जा रहे हैं हम फतेहपुर लुधियाना से। धूम चाले धूम 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 बहुत 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 राम राम भाई सारा ने हम पहुंच गए हरियाणा। माफी मांगे फिर नहाए फिर खाए साफ बना दे साफ इसको भाई साफ बना दे कुल्लड़ वाली चाय और साथ में ब्रेड पकौड़ा गोलगप्पे करा रहे हैं। चंगा फिर आगे मिलते हैं बस्तापुर मोड़। आज हम थ्री इडियट्स जाने वाले हैं लुधियाना से फतेहपुर जो कि यूपी में पड़ता है, जो लुधियाना से 1000 किलोमीटर का सफ़र है। हम लोगों ने बाइक पे तय किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया ये हम बताएंगे वीडियो में। आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिप होने वाला है गाइज। ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं घर से झूठ बोल के ऐसे इस सफ़र पर आऊँगा और ये इन्जॉय करूँगा। तो आप भी इन्जॉय करें इस 17 मिनट के ब्लॉग में। गाइज 2 दिन हुए बाइक लिए को और हमें जाना पड़ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ही दिमाग में आया होगा जो हमें आधी रात को निकलना पड़ा। तो गाइस आओ चलें। ओके आ गई मेरी बिल्लो रानी। तो गाइस ऐसा है, आरुण भाई पे जा रहे हैं हम फतेहपुर लुधियाना से। फतेहपुर जाएंगे, इसके घर वाले थोड़ा परेशान हैं, नाराज हैं, अब उनको मनाने जा रहे हैं। मिलते हैं आपको ब्लॉग में, ऐसे बने रहें और चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। तो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रणव लेसल 2.0 में। अब हम आ गए हैं दुखनी वाला गुरुद्वारा साहिब, जो लुधियाना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा काफ़ी, और आपने लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। और अब हम पहुंच गए 100 की स्पीड पे। जब से बाइक ली है अब चला रहा हूँ तो मुझे खास इतना पता नहीं है बाइक के बारे में। तो मुझे बचपन से शौक है ट्रक से सेंटर में निकालने का, राइडिंग करते हुए देखता हूँ ना सबको, तो पूरा शौक है। यहाँ पर मैंने गलती क्या की, 6वें गियर पर स्पीड कम कर ली। मैंने 5वां गियर डाल के स्पीड अगर बढ़ाता ना तो निकल जाता फ्रंट फटाफट, तो मैं फटाफट निकल नहीं पाया। अब चलते हैं आगे, तो धीरे धीरे अब चलाऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे को। अब हम यहाँ पे डिपर मार के मैं आगे जा रहा हूँ भाई। रात को आपको ट्रक ही ट्रक मिलेंगे, गाड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि जो रात की ड्राइविंग है ना वो बहुत ही ख़तरनाक होती है ट्रक ड्राइवर के लिए और आम बंदों के लिए भी। आधा घंटा हो गया तो हमें बाइक चलाते हुए सरंद के पास पहुँच गए हैं। और ये सचिन और राहुल भैया ये चेक करें बाइक कैसी है। फिलहाल तो ठीक है, थोड़ी ठंडी कर रहे हैं हम कि काफ़ी टाइम हो गया ना, आधा घंटा हो गया चलाते हुए। खन्ने से आगे निकल के सरंद के पास पहुंच गए और ये मैं स्माइल करता हुआ। तो गाइस हम बहुत स्पीड से आ रहे हैं, अब यहाँ पे केसरी ढाबा है, यहाँ पे रुक के चाय पियेंगे। चलो राहुल भैया राजपुरा पहुंच गए हैं केसरी ढाबे के पास, अब यहाँ पे चाय पियेंगे और थोड़ा सा बाइक कूल होगी, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। ये हम तीनों आ रहे हैं भाई, बस विपिन भाई थोड़ा इंतज़ार करो, आके मिलते हैं आपसे। आप देख सकते हो जैसे ही शोरूम से निकाली है 2 दिन बाद निकल पड़े हैं क्योंकि घर वाले नाराज थे। तो गाइस बात ऐसे है, हम लुधियाना से निकल गए थे रात को, आपको देखा अपने स्टार्टिंग में हम कैसे कैसे बाइक लेके निकले हैं और काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, हम राजपुरा पहुँच गए हैं। भाई की फैमिली में सारे नाराज थे क्योंकि हमने बिना बताए बाइक ले ली थी गाँव में। अब जाएंगे गांव में, मम्मी से मिलेंगे, पापा से मिलेंगे। विपिन भैया थोड़े बीमार हो गए थे, गांव चले गए थे, अब उनसे मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर मैंने चलाई, अब राहुल भाई चला रहे हैं गाड़ी। ठीक है, हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे वैसे? सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, सुबह 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोशिश यही है। बाकी रुके हैं केसरी ढाबे पर, चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं। गाइस चाय आ चुकी है, चाय पकड़ो भैया, चाय का प्याला देखो कितना बड़ा है, पी के अब चलते हैं आगे। गाइस चाय पी के तो मज़ा ही आ गया, 30 रुपये के कप पे बहुत बढ़िया टेस्ट था। चाय पी ली है, चाय पीने के बाद अब चलते हैं। शंभू बॉर्डर क्रॉस करना है यहाँ से। ओके ओके। तो गाइस राहुल भैया कह रहे थे कि आगे नाका लगा होता है, थोड़ा पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ी सी स्पीड खींचनी पड़ेगी। तो भैया ने थोड़ी सी स्पीड खींची, फिर मैं बैक कवर करके आपको दिखाता हूँ हम कैसे बैठे हुए ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं। भाई बहुत दिक्कत हो रही थी, एक बंदे ने हेलमेट लिया हुआ है, दो बंदों ने हेलमेट पहना ही नहीं हुआ, आंखों की तो हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे हम हरियाणा में एंटर कर गए गाइस, चेक कर लो आप, ये हरियाणा का मेन बॉर्डर है। आगे देखते हैं कोई पेट्रोल पंप आता है तो, क्योंकि बाइक में तेल फुल करवा के निकले थे और यहाँ पे हमारी खूटी एक रह गई है, एक खूटी में देखते कहाँ तक जाता है, फिर हमने तेल लगवाना आगे जाके। बड़ी मुश्किल से पेट्रोल पम्प मिला था, अगर मिला भी था और उसमें पेटीएम भी नहीं चलता गाइस। पेट्रोल टंकी पर तेल लगवा लिया, पहले एक खूटी थी 200 रुपये का तेल लगवाया, फिर एक खूटी हो गई, अभी हमें एक और पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा आगे जाके। कैसा मजा आ रहा है राहुल भाई? बिल्कुल मस्त, मस्त मजा आ रहा है। गाइस घर से बिना बताए निकल गए थे, कैश हमारे पास था नहीं, पेटीएम कहीं पे चल नहीं रहा था, 2-3 पेट्रोल पंप ढूंढे पर वहाँ पे पेटीएम मिलता नहीं था, यहाँ पे पेटीएम चलता है, तो देखते हैं कितने का तेल डलता है। कितने का डाल तेल डाला? 720 का। हाँ 200 का भी डलवाया था ना, हाँ थोड़ा वो डाल दो।
बहुत है, बहुत है, बहुत है। नहीं रोके जा, जान दे। जाएगा भी क्या? जान दे, जान दे भाई, जान दे। अले 100 रुपए का तेल आऊंगे रे। एंड तो दोस्त मुझे बहुत है। 800 पूरा कर दो। मैं पूरा कर दूंगा। बस ओके। तो गाइस 800 का 1000 रुपए का तेल डाल दिया, थोड़ा बहुत पहले दिन बचा हुआ था। अब चलेंगे आगे। तो गाइस टैंकी फुल करवा के अब जा रहे हैं सीधा, देखते हैं जहाँ पे तेल खत्म होगा वहीं पे रुकेंगे। फिलहाल तो चलेंगे, थक गए हैं, सिर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर आंखें आप देख सकते हो पूरी लाल हो रखी है, क्योंकि एक हेलमेट लिया है, क्योंकि घर से बिना बताए आए हैं। मम्मी आई एम रियली सॉरी पर आई लव यू, थैंक यू सो मच जाने के लिए, भेजने के लिए। झूठ बोल के आया हूँ, पर भाई कोई भी बंदा घर से झूठ बोल के बताए। चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। मस्ती से बाइक चलाते हुए जा रहे थे, पर थोड़ी देर बाद हमने देखा एक बाइक पे ट्रिपलिंग करते हुए बंदे जा रहे, जैसे हम जा रहे थे वैसे ही वो लोग जा रहे हैं। आई थिंक वहाँ पे उनके पास पल्सर थी। अब चेक करो पल्सर पे वो तीन बंदे कैसे बैठे हुए हैं। हम तो फिर भी रिलैक्स होकर बैठे थे, पर उनकी तो हवा टाइट हो गई हुई भाई। उस एक बंदे ने बीच वाले बंदे को अपनी पट पे बिठाया हुआ था, जैसे जांगों पे बिठाया हुआ था। चेक करो आप ज़रा क्या ही मस्त माहौल था भाई, बहुत मज़ा आ रहा था। रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। चेक करो कैसे वो जा रहे होंगे, कितनी मुश्किल से उन्होंने पकड़ के बैठा हुआ है। उसने भी बीच वाले ने हेलमेट पहना हुआ है, आगे वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। राहुल भाई को आया थोड़ा मज़ा, तो उन्होंने खींच के बाइक निकाल ली आगे। बाइक निकालने के बाद आप चेक करो, हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली, पानीपत की साइड में होकर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से आगे हम जाएंगे पलवल को। तो गाइस पानीपत पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे पानीपत के पास ढाबा है, यहाँ पे हम बैठेंगे, चाय पियेंगे। आप मेरी आँख चेक कर सकते हो, कितनी लाल हो चुकी है, देखो मेरा बहुत बुरा हाल है। अगर आप कहीं भी आप सफ़र करो तो दो बंदे हो, तीन बंदे हो, हेलमेट पहन के चलो तो ठीक रहेगा, वरना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सिंगल हेलमेट की वजह से हमने हेलमेट पहना नहीं है। आँखें देखो मेरी कैसे हो गई है। अब चाय पियेंगे, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द की गोली देखता हूँ, मिलती है तो लेता हूँ। तो चलो बने रहे सही में, मिलते आगे। तो गाइस चाय पी रहे हैं, चश्मा इसलिए लगाया है कि आँख दर्द कर रही है, राइट वाली आँख तो लग गई। हेलो गाइस चाय पी लो। तो गाइस ऐसा है, चाय पी ली थी, अब चलें। आँख मेरी देख सकते हो, ये आँख पूरी लाल हो चुकी है, मुझे धुंधला दिख रहा है। अब ये चश्मा पहन के ऊपर से रखूँगा नैपकिन, फिर चलूँगा। तो गाइस बने रहे इस ब्लॉग में, अगर आपको एंजॉय हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है। क्योंकि हम बना तो रहे हैं, कुछ तो होगा ही। तो चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में, फिर देखते हैं फतेहपुर पहुँच के कैसा लगता है, गाँव के नज़ारे लेंगे। अब गाइस आगे आगरा हाईवे आने वाला था, पता नहीं वहाँ पे तेल मिलता कि नहीं मिलता, तो हमने यहाँ पे तेल डलवा लिया। रहने दो 750 डन। ओके बहुत है मेरी भाई। तो गाइस अब हम तेल डलवा के टैंकी फुल करवा ली है, अब जाएंगे आगरा ताज हाईवे जाएंगे, और वहाँ से जाएंगे आगे, और उधर से जाना है वहाँ से सीधा कानपुर होके सीधा फतेहपुर। तो चलो बने रहे, रात का सफर एंजॉय करते रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपको आगे कानपुर में। तो गाइस इस रास्ते से हम जाएंगे पलवल और गाजियाबाद होते हुए, क्योंकि जो ये एक्सप्रेस वे है बहुत ही लंबा एक्सप्रेस वे है, इससे हमारा आधा रास्ता कट सकता है, और हमें जाते जाते सुबह भी हो सकती है। अब मेरी आँख ठीक होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आगे जाके राहुल भैया को बोलूँगा कि आप पीछे बैठ जाओ, मैं बाइक चलाता हूँ, क्योंकि जो ये रास्ता है बहुत ही लंबा रास्ता है और बहुत ही मक्खन वाला रोड है, जहाँ पर मुझे चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस अब यहाँ से आगे मैं लेके जाऊँगा, पहले राहुल भैया चला रहे थे, तो अब थोड़ा सा मैं ठीक हुआ हूँ, मेरी आँख थोड़ी सी ठीक हुई है, तो अब मैं राइड करूँगा, और इस राइड का आनंद लें। बने रहे इस वीडियो में, मिलते हैं आगे कानपुर में। ये रास्ता और आगे जो रास्ता आने वाला है, मैं आपको ऐसे ही फॉरवर्ड करके आके दिखाता रहूँगा, क्योंकि जो ये व्लॉग है बहुत ही लंबा आने वाला है। आप खुद सोचो, जो लुधियाना से फतेहपुर का रास्ता है 1000 किलोमीटर का रास्ता है, ये सफ़र में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। तो गाइज प्लीज़ एंड तक ज़रूर देख के जाना व्लॉग को, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे हमारे साथ क्या क्या हुआ। चेक करो गाइज, इतना लंबा रास्ता था, बाइक चलाते चलाते हमें सुबह हो गई। अब जो है थक गया था मैं, क्योंकि नींद भी आने लगी थी रास्ते में, तो मैंने सोचा अब साइड में लगा के कहीं पे ढाबा देखते हैं, वहाँ पे चाय पियेंगे। तो गाइस अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं, ये हमारी बाइक खड़ी है, अभी हम चाय पियेंगे, और इस टाइम हम कानपुर वाले रोड पे हैं। इस ये अभी मेरे हिसाब से 270 किलोमीटर का रोड है ये,
यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है सचिन का घर, वहाँ पे जाएंगे, विपिन भैया से मिलेंगे, तो आगे आपको बताएंगे क्या होता है वहाँ पे जाके। तो गाइस बात ऐसे है, कुल्हड़ वाली चाय और साथ में ब्रेड पकौड़ा क्या आनंद से खाएंगे, मस्त चाय बनी है दूध में पत्ती, एंजॉय करो। मस्त सी कुल्हड़ वाली चाय पी के हम निकल पड़े रोड पे, धूप चेक करो कितनी तेज़ हो रही है, और सामने कानपुर का बोर्ड लगा है, 293 किलोमीटर दूर रह गया कानपुर, और आगे फास्ट फॉरवर्ड करके हुए देखते हुए आप चेक करो बाइक कितनी स्पीड लग रही है कि हम कट मारते जा रहे हैं। चेक करो गाइस कुत्ता कैसे दौड़ता दौड़ता आ रहा है, बहुत मुश्किल से बचा वो, अगर हम ज़्यादा स्पीड होते तो क्या पता लग भी जाता उससे। अब हम जा रहे हैं मस्ती से पूरा, क्योंकि जो रोड हाईवे में यही फ़र्क होता है, हाईवे में क्या होता है साइड में सिर्फ गाड़ियाँ दिखती है, बंदा कोई नहीं आता, और ये देखो सामने बाइक बंदा लेके आ रहा है, ऐसे ही जो है रात में हम चलाते ना इस रोड पे तो हमें बहुत खतरा होता है, इसीलिए सही है कि हम जल्दी जल्दी सुबह सुबह पहुँच के इस रोड पे। और अब कानपुर रह गया 285 किलोमीटर, आगे चलते हैं तेल लगवाते हैं। तो गाइस कानपुर के पास पहुँच गए हैं, कानपुर यहाँ से 282 किलोमीटर के पास है, उससे 282 किलोमीटर हम पीछे हैं कानपुर से। अब फिर टंकी फुल करवाने जा रहे हैं, तेल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, आप देख सकते हो तेल अभी भर ही रहा है, पूरे 900 कर दो पूरा, ज़्यादा नहीं। अरे भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभार। तो गाइस अभी हम भोगाव अभी रुके हैं, यहाँ पे नल लगा है देखिए, राहुल भैया नल गेड़ेंगे पानी आएगा फिर मुँह हाथ धोएंगे यहाँ से। गाय देखो पूरे गांव वाली फीलिंग आ रही है, बस कानपुर बगले में है, पहुँच जाए कले तक सारे अपनी पार्टी। आजा आजा चल मुँह धो, बस कितनी देर तक पहुँच जाएंगे यार, 150 किलोमीटर रह गया, 1.5 घंटा बंद बस। 150 ने 182 देखा सी मैं, तो देखा सी ना तेरे शक्ल देख ना। होली बोल बे तो फट गई लो दस। हर हर गंगे फूलो खाओ गंगे, धूतो नाओ भूतो भलो, लोग देखते रहो लाइक करते रहो शेयर करते रहो, मिलते हैं आगे कानपुर में। अभी 150 किलोमीटर बचा है, जाते जाते टाइम लग जाएगा 2 घंटे 3 घंटे। देखो वन प्लस की बैटरी होगी, चलो हमने आईपैड के साथ चार्जर लगाया, आईपैड से चार्ज वन प्लस हो रहा है, ये बाबू जी बैठे हैं छपरा के नीचे टावर से, उन गोरा लगे लग गए मुँह धो के, हालत पूरी खराब, अखा वखा सब लाल है। पहले तो यहाँ पे घर जाके पहले माफ़ी मांगे, फिर नहाए, फिर खाए, फिर सो जाए। थोड़ा सा आराम करने के बाद चेक करो आप कानपुर जो है 144 किलोमीटर रह गया है, अब चलते हैं आगे यहाँ से जा रही मस्ती में। ओ भाई तेरे को क्या हो गया, ओ भाई चेक करो भाई, इसने साफ बना दिया, साफ बना दिया ट्रक को, अगर गिर जाता ना ये कसम से एल लग जाते हमारे सब लोगों, क्योंकि जो स्पीड है ना हमारी कंट्रोल ना हो पाती हमसे, पता नहीं ये शायद नशा करके चला रहा होगा या इसने भाई फ़ोन सुन रहा होगा कोई, चेक करते हैं। चेक करो गाइस फ़ोन चला रहा है, ये बंदा फ़ोन चला रहा है, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता इसके साथ। तो गाइस कानपुर जो है 134 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, देखते हैं आगे कहाँ जाना है, सामने है टोल, टोल पर कोई बंदा तो है नहीं, यहाँ से भाई कट्टा मार के सीधा जाएगा आगे, कोई लेना देना नहीं, यहाँ से कट्टा मार के सीधा आगे आ गए। चेक करो जो कानपुर है 78 किलोमीटर रह गया यहाँ से, ज़्यादा रास्ते की वीडियो ना दिखाते हुए हम चलते हैं आगे, 11 किलोमीटर कानपुर रह गए यहाँ से, अब जाते हैं आगे कहीं पेट्रोल पंप देख के तेल लगवाते हैं, पेट्रोल पंप दिख गया अब यहाँ से तेल लगवाएंगे। मटर वाले खा लगे यार गोलगप्पे, मटर वाले मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं, पर यहाँ पे पानी
खट्टा मीठा है पानी मीठा है खाली दोनों है कैसन है स्वाद नहीं बस भाई तीन खिला दे सिंगल सिंगल खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे हैं ओके इसको खिला दो यार। तो गाइस गोलगप्पे खाए गोलगप्पे तो थे बहुत टेस्टी बहुत मज़ा आया। यहाँ पे इसको बोलते हैं पतासे पतासे के अंदर आप चेक करो आलू नहीं डालते ये डालते हैं मटर मटर के साथ डालते हैं मूली बहुत ही टेस्टी थे यार भाई मज़ा आ गया पेट घर के पतासे खा के अब चलते हैं आगे स्माइल देख के हल्की सी। अभी आप चेक करो ये है कानपुर का रास्ता कानपुर में पहुँच चुके हैं कानपुर से आगे ही काफ़ी टाइम का रास्ता है अभी चेक करो जो यहाँ पे मेट्रो आ चुकी है भाई बहुत लंबी मेट्रो है चेक करो हम ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं मस्त माहौल है। और ये चेक करो आप कानपुर का रास्ता हम कट मारते जा रहे हैं स्पीड फुल रखी हुई है वीडियो जो है फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो है वीडियो छोटी बन सके जितनी छोटी हो सके मैं उतनी छोटी बनाऊँगा आपके लिए बस एंड तक जरूर देखना भाई। तो आगे गए हमने यहाँ से रामदेवी रास्ते को जाना है वहाँ से होके हम आगे जाएंगे फतेहपुर। रास्ते में मिला हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक आप चेक करो कितना लंबा ट्रैफिक है यार। यहाँ से मैं बैठूंगा ऑटो में बैठ के मस्ती करूंगा इन भाइयों के साथ। चलो भाई चेक करते हैं चंगा फिर आगे मिलते हैं। ये देख रहे हो क्या हो गया सारी टैनिंग हो गई है टैनिंग फेस सारा खराब हो गया पिंपल निकल आए बहुत सारे इधर भी। तो गाइस रामादेवी क्रॉस करने के बाद हम इस रास्ते से जाएंगे फतेहपुर जो कि फतेहपुर जो है यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। अब चेक कीजिए सामने पालनपुर का बोर्ड लगा और यहाँ पे लिखा है आई लव कानपुर। हम जाएंगे लेफ्ट साइड से होके यहाँ से हम यहाँ पे रुके थे शुक्रा ढाबे पे चाय पीने के लिए। अब हम कौन सी जगह पहुँच गए हैं मलवा पहुँच गए हैं शुक्रा ढाबे पे चाय पी ली है चाय पी के हम निकलते हैं बस आधे पौने घंटे का सफ़र रह गया है अब जाके वहीं पर घर पे मिलेंगे आपको विपिन भैया के। तो गाइस जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था आप देखो फतेहपुर यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे जाके यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया अब आगे उनके घर पे। गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं कौन सी जगह भैया ये फतेहपुर। हाँ भैया फतेहपुर बस्तापुर मोड़ ये बस्तापुर मोड़ गांव की। आओ भैया आओ द्वारे पे खड़ी कर दी सुन के सब फरार हो गए सही बात है चिनार आ रहा है।